हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मैं हूँ रोहित कुमार, और आज जो टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, सर्विस मॉडल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को डिटेल में हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले जी, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें कुछ रिसोर्सेज, कुछ सर्विसेज, कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो हमें मिलती हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है जी, जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं रिमोट प्लेस पे पड़े हुए हैं, लेकिन लॉजिकली वो हमारे सिस्टम यहाँ पे उसको हम यूज़ करते हैं थ्रू आर सिस्टम, थ्रू इंटरनेट। ठीक है जी, और इट अलाउज अस टू क्रिएट, कन्फिगर एंड कस्टमाइज दी एप्लीकेशंस ऑनलाइन। ठीक है जी, तो एप्लीकेशंस को हमने क्रिएट करना है, कन्फिगर करना है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड, हम नेटवर्क या इंटरनेट को ही क्लाउड कहते हैं, जिसके थ्रू कि हम जो सर्विसेज है या रिसोर्सेज है उसको हम रिमोट लोकेशन पे जो पड़े हुए हैं उनको हम यहाँ से अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से यूज करते हैं थ्रू इंटरनेट। और ये कैसे यूज करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इन तीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? जैसे कि ईमेल है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, सीआरएम, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सारा कुछ हम क्लाउड के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन एक तो हमने पढ़ ली, एक और डेफिनेशन है इसकी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कन्फिगरिंग एंड असेसिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिमोटली। तो मतलब कि हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स जो कहीं रिमोट प्लेस पे पड़े हुए हैं उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्या ये प्रोवाइड करता है हमें? ये डाटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि जैसे कि हमें मान लीजिए कोई स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए हमें स्पेस चाहिए। एक तो तरीका कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में हमें स्पेस मिल जाए। दूसरा तरीका क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कि जो स्पेस है हमें इंटरनेट के थ्रू कहीं रिमोट प्लेस पे मिलेगी। ठीक है, जो डाटा जो स्टोर होगा वो कहीं रिमोट प्लेस पे होगा। ठीक है जी, लगेगा हमें कि वो हमारे कंप्यूटर में सेव है जब हम इंटरनेट के थ्रू इसको यूज करेंगे, लेकिन वो सेव कहाँ पे है? किसी रिमोट लोकेशन पे वो सेव है। तो हमें डाटा स्टोरेज भी मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। अगर हम फास्ट प्रोसेसर चाहते हैं, फास्ट मेमोरी चाहते हैं, तो वो हमें इसके थ्रू मिल सकता है। तो नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो होता क्या, ये आपने समझ लिया, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो है जैसे रिमोट क्लाइंट्स हैं, कितने सारे क्लाइंट्स हैं, रिमोट क्लाइंट्स, और ये क्या है? रिसोर्सेज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है हमें, स्टोरेज मिल सकती है हमें, एप्लीकेशंस मिल सकती है, सॉफ्टवेयर मिल सकती है। सॉफ्टवेयर अगर आप चलाना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो है वो रिमोटली इंस्टॉल होगा, आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एज ए सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल लोकली। तो मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसको लोकली हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिमोट जगह, रिमोट प्लेस पे इंस्टॉल होगा। इसलिए इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। चाहे हम कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हम, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी हाई डेफिनेशन का हाई सॉफ्टवेयर जो है यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर है, जो हैवी सॉफ्टवेयर है, उनको हम यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक, बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, हमने तो पढ़ लिया क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, लेकिन बैकग्राउंड में, इसके बिहाइंड में कुछ मॉडल्स जो है वो काम करते हैं। तो दो टाइप के मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल, दूसरे हैं सर्विस मॉडल्स। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ठीक है जी, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? ये डिफाइन करता है कि किस तरह से हम क्लाउड को असेस करेंगे, कौन सा ये तरीका है, किस तरीके से हम अपनी क्लाउड को जो है असेस करेंगे। ठीक है जी, तो किस, तो कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? ये चार चार हमारे पास तरीके हैं। पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है और कम्युनिटी क्लाउड है। ये चार जो है वेज हैं, चार तरीके हैं जिसके थ्रू हम
डिप्लॉयमेंट मॉडल के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर ये चार तरीके आते हैं, चार मेथड्स आते हैं, तो इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के अंदर ये चार तरीके, तो सबसे पहले पब्लिक क्लाउड। पब्लिक का नाम ही जैसे पब्लिक है, तो पब्लिक मतलब कि जो रिसोर्सेज होंगे, सर्विसेज होंगी, वो इजीली एक्सेसिबल होंगी और जनरल पब्लिक उसको यूज कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, वो पब्लिक है, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्या है, जो क्लाउड जो है वो लेस सिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो ओपन है इसलिए उसकी सिक्योरिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा है जी इसके अंदर प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड हमें अलाउ करता है कि जो सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको हम प्राइवेटली सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज करेंगे, तो ये एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड ये सिक्योर होता है, ठीक है जी। तीसरा है जी कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या है, सिस्टम और सर्विसेज को असेस करना बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। एक ग्रुप उसको जो है वो असेस करेगा, ठीक है जी। एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ यूजर्स जो है उस सर्विसेज को असेस करेंगे, उसको कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड, मतलब एक कम्युनिटी जो है वो उसको असेस करेगी। तो फोर्थ वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या, हाइब्रिड का नाम ही जैसे पता चला, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। तो ये क्या, मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स, ठीक है जी। तो जिसमें हम जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, बहुत जरूरी एक्टिविटीज है, उसको हम परफॉर्म करते हैं प्राइवेट क्लाउड पे, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसको हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग पब्लिक क्लाउड, जो इतना सिक्योर नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल। दूसरा मॉडल है हमारे पास सर्विस मॉडल। तो आपके सामने आप देख सकते हैं, तो सर्विस मॉडल में क्या है, हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ये आता है एप्लीकेशंस के अंदर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या तो प्लेटफॉर्म के अंदर, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और इसमें क्या क्या हमें मिलता है आप देख सकते हैं ये। तो ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, सर्वर्स मिलते हैं, स्टोरेज नेटवर्क्स मिलते हैं, ये सारा कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म में क्या मिलता है, डाटाबेस, वेब सर्वर्स, डिप्लॉयमेंट टूल्स, ये सारा कुछ हम ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या ले सकते हैं हम, CRM, ईमेल, गेम्स, वर्चुअल डेस्कटॉप, ये सारा कुछ हम ले सकते हैं फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है जी। तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है वो हमने क्लाउड के थ्रू लेने हैं, ठीक है जी। तो क्लाउड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, लाइक क्या क्या, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो, वर्चुअल स्टोरेज होगी, तो मतलब कि जो स्टोरेज है हमारे कंप्यूटर में नहीं होगी, जो भी डाटा स्टोर करना है हमें वो रिमोटली प्लेस पे, किसी रिमोट प्लेस पे होगा थ्रू क्लाउड, थ्रू इंटरनेट। उसके अलावा फिजिकल मशीन्स, हमें कुछ मशीन्स चाहिए सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, हमारे पास नहीं है वो, तो हम इंटरनेट के थ्रू उस प्रोसेस को कहीं और, सॉफ्टवेयर को कहीं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी फिजिकल मशीन पे। तो हम फिजिकल मशीन भी ले सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स ले सकते हैं हम, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स भी ले सकते हैं इसके थ्रू। वर्चुअल मशीन्स भी, मशीन जो हमारे पास नहीं है फिजिकली, वो कहीं और पड़ी हुई है, लेकिन वर्चुअली वो हमारे पास, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सर्विसेज होती हैं, ये बिल्ड होती हैं, जितना आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका बिलिंग होगी उसके हिसाब से, ठीक है जी, उसके हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। दूसरा, इट इज अ मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक ही ये रिसोर्सेज जो है शेयर्ड होते हैं, तो मल्टीपल यूजर जो मल्टीपल टेनेंट इसको यूज कर रहे हैं वर्चुअली, उनको नहीं पता कि हाँ ये वाला रिसोर्सेज जो है कोई और भी यूज कर रहा है, ठीक है जी। तो वर्चुअली वो हम अकेले ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो सेकंड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है। तो हमने कुछ एप्लीकेशन करनी है, डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो उसके लिए हमें रन टाइम एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हमें प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एंटायरली फ्रॉम द इंटरनेट। तो जो भी हमें एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए जो भी हमें लाइफ साइकिल चाहिए, वो सारा कुछ ये प्रोवाइड करेगा हमें, वो सारी सर्विसेज जो है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा थ्रू इंटरनेट, ठीक है जी।
तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, रन टाइम एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। थर्ड इज नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो हमें क्लाउड के थ्रू मिलेंगी अपने सिस्टम पे थ्रू इंटरनेट। तो सॉफ्टवेयर हमें फिजिकली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा वो रिमोट लोकेशन पे इंस्टॉल होगा, उसको हम इंटरनेट के थ्रू क्लाउड के थ्रू अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी क्या है, ये भी मल्टी टीनेंट है, एनवायरमेंट है, इसमें मल्टीपल यूजर्स जो है वो एक सेम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, शेयर्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी भी क्या होगी, बिलिंग होगी, जितना आप यूज करोगे उसके हिसाब से आपको बिलिंग इसकी पे करनी पड़ेगी, मनी इसको पे करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है ये क्या है, वन कैन एक्सेस एप्लीकेशंस एज यूटिलिटीज ओवर द इंटरनेट। तो एप्लीकेशंस को आप इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, आपको अपने सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशंस को रिमोट लोकेशन पे वो क्लाउड पे इंस्टॉल है, आप इंटरनेट के थ्रू उसको अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, वन कैन मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशंस ऑनलाइन एनी टाइम। आप जो है जो एप्लीकेशंस हैं उसको ऑनलाइन कभी भी मैनिपुलेट या कभी भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है जी, तो ऑलवेज वो आपको अवेलेबल होगा। इट डज नॉट रिक्वायर टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर टू एक्सेस और मैनिपुलेट क्लाउड एप्लीकेशंस। तो आपको क्लाउड एप्लीकेशंस जो हैं वहां पे जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है जी, उसको यूज करने के लिए आपको अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके थ्रू आप उसको एसेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रोग्रामिंग रन टाइम एनवायरमेंट थ्रू पास और PaaS मॉडल। ठीक है जी, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को मॉडल को यूज करके आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक रन टाइम एनवायरमेंट मिल जाएगा थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है जी, तो आपको एनवायरमेंट जो आपके लिए डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो इसके थ्रू आपको मिल जाएगा थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट इज क्लाउड रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट इन अ मैनर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक्सेस टू एनी टाइप ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है जी, क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है जी, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, द रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड विदाउट इंटरेक्शन विद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो मतलब जो आपको सर्विसेज जो है वो ऑन डिमांड आपको कभी भी मिल सकती हैं, कभी भी आप सर्विसेज को ले सकते हो, उसके लिए आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप सर्विस को ले सकते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट ऑपरेट्स एट हाई एफिशिएंसी विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इट जस्ट रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है जी, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड के थ्रू ही उसको यूज कर सकते हो, जो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स लोड बैलेंसिंग दैट मेक्स इट मोर रिलायबल। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये लोड बैलेंसिंग एक फीचर इसमें आता है, तो उसके उससे क्या होता है कि अगर जो है लोड ज्यादा हो जाए, तो जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर ज्यादा वो हैवी सॉफ्टवेयर है, लोड ज्यादा हो जाए तो सिस्टम आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है, वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है लोड बैलेंसिंग की, तो अगर आपके रिसोर्सेज ज्यादा आ जाते हैं तो वो लोड को बैलेंस करता है और आपके काम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे आज के टॉपिक्स, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, थैंक यू।